नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान लेकर निकले बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आज से नया दरबार सज रहा है और 1,00,000 भक्त जुटने की बात भी हो रही है और बड़ा जलसा होगा ये भी कहा जा रहा है। लेकिन दरबार शुरू होने से पहले एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की महागाड़ी ने बागेश्वर धाम सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के उद्धव गुट के लोग और समाजवादी पार्टी के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बागेश्वर सरकार के विरोध में महाराष्ट्र का पूरा विपक्ष एकजुट है। विरोध की वजह है महाराष्ट्र के मशहूर संत तुकाराम पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक पुराना बयान। महागाड़ी का कहना है कि संत तुकाराम का अपमान करने वाले को महाराष्ट्र की धरती पर कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जाए। और विरोध की शुरुआत कांग्रेस ने की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी। अब बागेश्वर सरकार को अंधविश्वास का बढ़ावा देने वाला बताया और कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कर दी। और बाद में कांग्रेस ने संत तुकाराम के अपमान का मुद्दा भी उठाया और इसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष फ्रीडम ऐप से सीख कर, क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। विपक्ष के विरोध के बावजूद बागेश्वर सरकार मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचते ही उनके स्वागत में जय श्री राम के नारे भी लगने शुरू हो गए। बागेश्वर धाम सरकार का ये दरबार 2 दिनों तक चलेगा। 18 मार्च यानी कि आज महादिव्य दरबार, कल यानी कि 19 मार्च को दिव्य दर्शन और सनातन चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। दरबार में शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ भी जुटने लगी है। बाबा के नाम की टोपी और टी शर्ट वाली दुकानें सज गई हैं। बाबा के भक्तों में कितना उत्साह है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हम मीरा रोड के इस मैदान के पास मौजूद है जहां पर आज बाबा का दरबार लगेगा। आप देख पाएंगे कि तमाम समर्थक जो हैं वो बीती रात से यहां पर पहुंचे हैं। एक मेला का जो माहौल होता है, तमाम तस्वीरों से सजी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं। आप बकायदा टी शर्ट पहने हुए हैं जिसपे बाबा की तस्वीर है, उनका नाम लिखा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम MP से हैं मैडम। MP से आए हैं, बाबा तो वहीं के हैं, वहीं मिलते, तो आप महाराष्ट्र क्यों आ गए? मिलने के लिए आप लोग भी? हाँ, यहाँ रहते हैं। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पर आए हैं? हम लोग कल से आए, कल रात से आए हैं। तो आप लोग का रहने का कैसा व्यवस्था है कि यही सड़क व्यवस्था? चूरू सादुलपुर से। अच्छा, आप कहाँ से हैं? चूरू सादुलपुर, राजस्थान से। राजस्थान से आए आप बाबा के लिए, बाबा के लिए दर्शन के लिए। आप लोग क्या खुद के खर्चे से आए हैं कि आप लोग को लेकर आए हैं? खुद के खर्चे से आए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए हैं, क्या कहेंगे राजस्थान, MP, बिहार, इतनी श्रद्धा, इतना भाव, क्या कुछ वजह है? बाबा जी का, हनुमान जी का प्रभाव से आए हैं भक्त। हनुमान जी का इतना प्रभाव है कि उनसे जुड़ने के लिए आए हैं। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहाँ से आए? मैं MP का जाने वाला हूँ, वापिस से आ जाऊँ। वापिस में जाता हूँ 20-25। तो आप लोग कब यहाँ पे पहुँचे हैं? सुबह में पहुँचे हैं हम लोग। सुबह से यहाँ पे भीड़ है। बाबा जी के दर्शन, 2 दिन का कार्यक्रम है, शाम तक रुकेंगे आप लोग? हाँ जी, पूरे दिन का कार्यक्रम अटेंड करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से हूँ, लेकिन वापिस से आई हूँ। हम लोग भी नहीं जाएंगे, बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे आप लोग? जी हाँ जी हाँ, सब साथ में। कहाँ से आए आप लोग? हम नई मुंबई कोपर खेलने से। बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। दरबार शुरू होने से पहले यहाँ पर दुकानें सज गई हैं। ये तस्वीर जो है छतरपुर की तस्वीर जैसी लगती है, क्योंकि यहाँ पर ठीक उसी तरह बाबा की तस्वीरों की जो टी शर्ट्स होती है वो मालाएं वो। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम तो डायरेक्ट बागेश्वर धाम से ही दुकान लेके आता हूँ। पूरा
ऑल ओवर इंडिया जाता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए दादा गुरु महाराज की, बोलिए सन्यासी बाबा की, बोलिए सियापति राम नाम भगवान की। अब आप लोग कब पहुँचे यहाँ पर? कल रात में आए हैं। तो दुकान आपकी सज गई है? पूरा अभी तो सज रही है, अभी 30% सज रहा है। पूरा ये दरबार के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से सज चुकी हैं। आपको लगेगा ये मध्य प्रदेश है, लेकिन ये महाराष्ट्र है, मुंबई के पास का इलाका है, जहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बेची जा रही हैं, उनकी बकायदा तस्वीरों के साथ जो गुरु हैं उनकी तस्वीर छापी गई है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, आप भी मध्य प्रदेश से आए हैं? हाँ, मध्य प्रदेश से। दुकान लेकर आ गए? हाँ, दुकान लेकर आ गए। क्या कहेंगे कि कब तक यहाँ पर आप लोग रहेंगे, और जिस तरह विरोध हो रहा था बाबा का उसको लेकर क्या कहेंगे आप? दो दिन तक आएंगे। दो दिन तक आप लोग रहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे, बाबा का विरोध भी बहुत यहाँ पर हो रहा था, कुछ पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? विरोध जो भी कर रहे हैं वो सब मैडम गलत कर रहे हैं, विरोध नहीं करना चाहिए, वो धर्म के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। सत्य की हर इंसान विरोध करता है, मगर सत्य कभी दबने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना चाहिए, बनेगा बनेगा, बनना चाहिए। अब जगह है बागेश्वर धाम, अब जगह है, अब हर इंसान जगेगा और जगह है और बन के रहेगा। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था। मैं आपको आगे की भी तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो सामान लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ये बीती रात से यहाँ पर आए हैं। लग रहा है तस्वीरें देखकर कि बाबा बागेश्वर का जो मध्य प्रदेश का धाम है वो सीधे मुंबई आ गया है, और यहाँ पर इस तरह की तस्वीरों के साथ सजी हुई जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं। आप लोग खरीदेंगे? हाँ, खरीदेंगे मैडम, खरीदेंगे खरीदेंगे। जो भक्त हैं वो सीधे मुंबई पहुँच गए हैं, मीरा रोड पहुंच गए हैं। इस प्रोग्राम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शिवसेना के विधायक गीता जैन खुद इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के एनसीपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की ओर से बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। अब जवाब में बीजेपी कांग्रेस को संत विरोधी बता रही है। क्यों विरोध क्यों है? कमलनाथ तो मंच पे जाके आए। देखो, मैं किसी अगर संत है तो उसके विरोध में रहने का कोई कारण ही हमारा नहीं बनता। लेकिन जिस तरह से ये बागेश्वर जी जब महाराष्ट्र में आए और संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के बारे में जो अपमानास्पद जो बात कही है वो उसके बारे में हमारा कहना है, और उसी बात के लेके, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का जब अर्थसंकल्प रखा गया तब तुकाराम महाराज जी का नाम लेकर ही उस अर्थसंकल्प की शुरुआत हुई। उनका महत्व कितना है उतना समझता है, और मुझे लगता है कि बीजेपी जब भी उसके ऊपर कुछ मुसीबत आती है, जब उनके पापों का घड़ा फूटने आता है, तब हिंदू करके सामने आते हैं। देखिए, मूलतः कांग्रेस का विरोध हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के संत, साधु समागम, इन सभी को कांग्रेस का प्रखर विरोध शुरू से रहा है और अभी जोर से लोगों के सामने दिख रहा है। उन्हें हिंदू साधु संतों की या हिंदू समाज की याद उस वक्त आती है जब चुनाव समीप होते हैं, और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद उनकी सारी नौटंकी खत्म होकर के उनका असली चेहरा लोगों के सामने आता है। राहुल गांधी से लेकर के सबको हमने देखा है। तो ये नौटंकीबाज कांग्रेस है, ये हिंदू समाज के साधु संतों को विरोध करती है। जिस कांग्रेस ने भगवान राम मंदिर को अप्रत्यक्ष रूप से वो फैसला न आए करके जहां पर 22 वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी की, उस कांग्रेस से क्या अपेक्षा करें हम? विपक्ष का हर नेता संत तुकाराम के अपमान की दुहाई दे रहा है। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक बड़े संत और कवि थे। महाराष्ट्र के लोगों के बीच उनकी बड़ी आस्था है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक दरबार में यह कह दिया था कि संत तुकाराम को उनकी पत्नी पीटती थी। इस बयान पर अभी तक बवाल चल रहा है, आपको वो बयान सुनवाते हैं। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में।
इस बयान पर विवाद हुआ तो बाबा ने माफी मांग ली, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि माफी से गुनाह कम नहीं हो जाता। बिल्कुल, अगर उन्होंने अपमान किया तो मैं भी इनको, ऐसे लोगों को बिल्कुल एंट्री महाराष्ट्र में नहीं मिलना चाहिए, कहीं भी नहीं मिलना चाहिए, जो लोग किसी पुरुष का, महान पुरुष का अपमान करते हैं। आप जब उस आदमी को बुला रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के इस संत का अपमान किया, इसका मतलब महाराष्ट्र का अपमान किया है, तो आप उसको बुला करके ये साबित कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के बारे में प्यार ही नहीं है। बागेश्वर धाम बाबा का कहना कि उन्होंने माफी मांग ली। माफी मैं तुम्हारा अभी खून कर दूं यहाँ पे और पुलिस को बोल दूं कि साहब खून होगा अभी माफ कर दो तो चलेगा क्या? अब नाम संत तुकाराम का लिया जा रहा है, लेकिन खेल तो वोट का है। संत तुकाराम से महाराष्ट्र के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विपक्ष को ये लगता है कि संत तुकाराम का नाम लेकर वो बीजेपी और शिंदे गुट को महाराष्ट्र विरोधी साबित कर सकते हैं। संत तुकाराम महाराज, ये हमारे लिए एक अस्मिता का विषय है। अगर कोई महाराष्ट्र की भूमि में संत तुकाराम महाराज का अपमान कोई करता है तो ऐसे व्यक्ति पर का हम निषेध करते हैं। कानून के चौकट में गृह विभाग काम करेगा। आखिर राजनीतिक नेताओं को ये तय करने का अधिकार कि किसका कार्यक्रम होना चाहिए, बागेश्वर मामा बाबा ने अगर गाली दी तो उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सरजी उस्मानी का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्वातंत्र वीर सावरकर को गाली जिन्होंने दी उनका होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये ना मैं तय कर सकता हूँ ना कोई नेता तय कर सकता है। ये तो पुलिस उस विषय को लेकर कानून सुव्यवस्था को देखते हुए निर्णय करती है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह और नम्रता दुबे जुड़ गए हैं मुंबई से ही, जहां पर ये दिव्य दरबार सजने वाला है। तो पहले राजीव आप ही बताएं, दिव्य दरबार की तैयारी क्या है और क्या ये राजनीति कुछ शांत हो पाई या ये और बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए राजनीति तो अपनी जगह पर अभी बनी हुई है क्योंकि आज से दिव्य दरबार की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम साथियों ने विरोध करने का ऐलान किया था, बाबा बागेश्वर का विरोध किया था, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। सबसे पहले आपको वहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ क्योंकि बीती रात जब बाबा बागेश्वर आए थे तो मीरा रोड में ये दिव्य दरबार होने वाला है और बाबा बागेश्वर भाईंदर इलाके में महेश्वरी भवन में रुके हुए हैं। आप देखिए ये सामने महेश्वरी भवन है, लेकिन इसके आसपास किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप सामने देखिए यहाँ पर तो ठीक है। तो राजीव आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई है, नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता, आपके तो हमने देखी, लोगों से बातचीत हमने सुनी है, लेकिन इस वक्त भी आपके साथ कुछ लोग शायद मौजूद हैं, तो जरा उनसे बात कीजिए कि कुछ जिस तरह से देख, दो चीज़ें, एक तो है कि किस तरह से एक संस्था है जो कह रहे हैं कि भाई ये अंधविश्वास फैलाते हैं, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो संत तुकाराम का नाम लेकर बागेश्वर बाबा पर हमला कर रहे हैं, जो लोग हैं उनकी क्या राय इन दोनों मुद्दों पर? जी बिल्कुल, बाबा बागेश्वर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था, तमाम तरह के विवाद हुए, लेकिन ये लोग जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम हर चीज़ का वो जवाब हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर के श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। आप लोग अगर बताएं कि बाबा बागेश्वर को लेकर विरोध हो रहा था, उनके आने का विरोध था, तमाम उनके बयानों का विरोध हो रहा था, तो क्या कुछ कहेंगे जो बाबा का इस तरह का विरोध कर रहे हैं? वो लोग अपोजिट पार्टी हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध नहीं करना क्योंकि सनातन धर्म को बाबा जी लेके चल रहे हैं हमारे, और हम लोग उनके साथ हैं बाबा जी के। कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। आप गुजरात से हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपक केशरवानी है, राजकोट गुजरात से आया हुआ। गुजरात से आए, बाबा का जो लोग विरोध करते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप लोगों का क्या? देखिए विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं, पागल कहीं रुकने वाले नहीं हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम पूरे भारत के लोग। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गुरुजी के साथ में। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बिहार से आया हूँ, कैमूर जिला। बाबा के दर्शन के लिए आए, क्या कुछ कहेंगे? बाबा का विरोध भी बहुत हो रहा था। विरोध बहुत हो रहा था, मैं आपको कुछ क्षण पहले, मैं 1-2 दिन पहले वीडियो भी बनाया था सनातन धर्म के ऊपर, और हमको उसके ऊपर पूरा धमकियां दिया जा रहा था। मैं ये भी बोल कर, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप? हिंदू राष्ट्र, हिंदू पूरा भारत हिंदू राष्ट्र। आप तस्वीरों
अगर देखें तो इस तरह के टी शर्ट पहनकर लोग यहाँ पर हैं, बकायदा मेला सा लगा है। क्या कुछ कहेंगी बाबा? हिंदू राष्ट्र की जय, बाबा बागेश्वर की जय। बाबा बागेश्वर के विरोध में भी बातें की जा रही थी, क्या कहेंगे बाबा की? आने का भी विरोध हो रहा था यहाँ पर। अब देखिए विरोध तो हो रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, परमान समिति भी विरोध कर रही है, क्योंकि जो घर वापसी की बात है उसको लेकर बड़े मुखर होकर बोलते हैं बाबा बागेश्वर धाम जब भी बोलते हैं। तो नम्रता और राजीव आप लोग नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।